गुड आफ्टरनून गाइस, आज के नए व्लॉग में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। एंड अभी जस्ट ऑफिस में जो जो काम चल रहा था मैं अभी देखा हूँ। एंड अभी हमारे पास आई है नई इनोवा क्रिस्टा, इसके अंदर हम करने जा रहे हैं 10H ग्राफिन सिरामिक, 10H सिरामिक कोटिंग करना है, ग्राफिन नहीं है बट 10H सिरामिक पेंटागन कोटिंग करना है। स्कोडा कुसाक, इसके अंदर भी 10H सिरामिक कोटिंग करना है। तो ये दो गाड़ी अभी आज मेरे पास आई है रिसेंटली। एंड कल मैंने आपको ये वीडियो में बताया था ये गाड़ी का, तो ये गाड़ी के अंदर चूहा मर गया था, वो चूहा निकाल दिया है। अभी पूरा डीप क्लीनिंग अंदर एंट्री करेंगे और ये गाड़ी को कंप्लीट करेंगे। एंड अभी दूसरा एक गाड़ी आया मेरे पास टोयोटा एटियोस, इसके अंदर हम कर रहे हैं इंट्री क्लीनिंग। इंट्री क्लीनिंग इसलिए कर रहे हैं कि इसके अंदर मिल्क ढुला हुआ था थोड़ा पीछे की सीट में, तो उसके हिसाब से अंदर बहुत स्मेल आ रही थी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि छोटी ऐसी मतलब बटर मिल्क है ऐसी चीज़ आप गाड़ियों में मत लाया करो, वो ढुलेगी तो आपको महंगा ही पड़ेगा ऐसे भी। एंड दूसरा मेरे पास आया है क्रेटा। अभी क्रेटा के अंदर हम कर रहे हैं फॉग लैंप प्रोजेक्टर, ये कंपनी का फॉग लैंप निकाल देंगे इसके अंदर, ये वाला कंपनी का फॉग लैंप निकाल देंगे और इसके अंदर डालेंगे हम लोग फॉग लैंप प्रोजेक्टर। 3 इंच का आएगा वो और इसका ब्रैकेट के साथ और वायरिंग पूरा वायरिंग टू वायरिंग कपलर टू कपलर रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड टाटा टिगोर, इसके अंदर मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि इसमें 10H पेंटागन कोटिंग है, तो अभी इसके अंदर 10H पेंटागन कोटिंग कर रहे हैं। आओ मैं आपको दिखा दूँ गाड़ी, इसका ग्लॉस लेवल आप देख सकते हो, ग्लॉस लेवल एक्सट्रीम है और इसका लाइफ है 5 साल का, और 5 साल के लिए ये कोटिंग किया है हमने। तो हर एवरी ईयर गाड़ी वापस हम लोग मेंटेनेंस बुलाएंगे, तो उसके लिए उसके बाद हर एवरी ईयर हम लोग माइनर स्क्रैचेस को रिमूव करेंगे एंड फिर से कोटिंग करके देंगे गाड़ी। ये गाड़ी में हमने 2 साल पहले सिरामिक किया हुआ था, तो अभी इसको मेंटेनेंस कर रहे हैं, मेंटेनेंस कोट है इसके अंदर टाटा हैरियर में। एंड मराजो, ये मराजो गाड़ी हमारे पास आया था 4 से 5 दिन पहले, बट मैं अवेलेबल नहीं था इसलिए इसका बनाया नहीं पाया था ब्लॉग। तो इसके अंदर स्टेयरिंग का काम था एंड क्लचेस का काम था, मतलब मैकेनिकल काम था, तो उसका काम हो चुका है इसके अंदर। एंड अभी रिवर्स कैमरा का भी कुछ काम था बट इसके अंदर रिवर्स कैमरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो पूरा अंदर का सिस्टम उसको चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ये गाड़ी आज डिलीवर करना है। एंड किया सेल्टोस जो कल अपने पास आई थी उसका काम हो चुका है, तो अभी ये साइड में गाड़ी हमने रखा है, इसमें किया है ग्राफिन सिरामिक कोटिंग। अभी मैं आपको इसका दिखाता हूँ रिजल्ट और कैसा है इसका, आप देख सकते हो, मैं लाइट करता हूँ थोड़ी, इसका ग्लॉस लेवल भी एक्सट्रीम है, देखो ग्लॉस इसका एकदम एक्सट्रीम है। इसकी लाइफ है 7 साल, ग्राफिन सिरामिक कोटिंग किया है इसके अंदर, यस। और ग्राफिन सिरामिक कोटिंग का फायदा ये है कि जो डार्क गाड़ियाँ है तो डार्क गाड़ी में हम लोग ज़्यादा सजेस्ट ग्राफिन सिरामिक कोटिंग ही करते, तो उससे क्या है कि गाड़ी की जो साइन है कंपनी का जो पेंट की साइन है वो साइन बरकरार रहेगी, तो उसके लिए बेनिफिट रहता है। चलो मैं आपको आगे बताता हूँ, फिर कर दे लो। हाय गाइस, ये क्रेटा में फॉग लैंप प्रोजेक्टर इंस्टॉल हो चुके हैं। ये जो कस्टमर की लाइट है कंपनी की, जो हेडलाइट चालू है, ओनली हेडलाइट, फॉग लैंप अभी बंद है आप देख सकते हो, यस ये ओनली हेडलाइट चालू है। एक मिनट मैं थोड़ा ग्लास साफ कर लूँ इसका, ये खाली कंपनी की हेडलाइट चालू है, अभी मैं फॉग लैंप चालू करता हूँ, ये ओनली फॉग लैंप, ये कंपनी की डीपर, आप देख सकते हो विजिबिलिटी में कितना फ़र्क है, कंपनी हेडलाइट एंड अलग से फॉग लैंप इंस्टॉल किए है, तो आपको रिजल्ट में काफ़ी सारा पता चलेगा। और अभी मैं लेके चलता हूँ आपको ड्राइव पे, तो आपको पता चलेगा कि रोड पे कितना रिजल्ट है इसका। अभी जस्ट गाड़ी लेके निकले हैं ड्राइव पे, तो आप देख सकते हो रिजल्ट फॉग लैंप प्रोजेक्टर का, अभी आपको पता चलेगा कितना रिजल्ट है इसका। हाँ, एंड ये कंपनी का हाई बीम, और अभी मैं खाली ओनली हेडलाइट चालू करूँगा, तो आपको विजिबिलिटी में फ़र्क पड़ेगा कितना वो पता चलेगा। लो आप ही देख लो, ये ओनली हेडलाइट एंड ये फॉग लैंप के साथ, यस
यस शक्ति भाई, आपको रिजल्ट कैसा लगा? रिजल्ट बहुत अच्छा लगा है, और जो कंपनी का जो फॉग लैंप है उसका कोई मीनिंग नहीं है, पर जो हितेश भाई ने लगाया कार स्पार ने, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और जो नाइट ड्राइव करना है, जिसको हाईवे पे जाना है, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। एंड आपको मैंने ये बोला कि हेडलाइट में जो रिजल्ट है उससे अच्छा है फॉग लैंप का रिजल्ट? हाँ, हेडलाइट से तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, 10 टाइम्स बेटर। ओके ओके, थैंक यू शक्ति भाई।